हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के फ्लोरा एंड फौना पर। इससे पहले मैंने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था, कंप्लीट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, जहां पे हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीपल, कल्चर, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, डांसेस, ड्रेसेस और ऐसे बहुत से टॉपिक्स और आइडियाज मैंने आपको दिए थे। इसमें आप ये फ्लोरा एंड फौना भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैथ्स इंटीग्रेटेड आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी बनाया है, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। तो आइए ये वाली वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्लोरा एंड फौना के अंडर हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोरा ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो फ्रेंड्स, फ्लोरा में आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के फॉरेस्ट के बारे में लिख सकते हैं, वहाँ की वेजिटेशन के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो साउथ अंडमान फॉरेस्ट हैं वहाँ पे एपिफाइटिक वेजिटेशन होती है, यानी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ट्रीज के ऊपर भी प्लांट्स ग्रो होते हैं ऐसे। और फिर अगर हम मिडिल अंडमान आइलैंड्स की बात करें तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि भाई जो नॉर्थ निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं ज़्यादातर, फॉरेस्ट कवरेज कितनी है वहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं कि भाई जो फॉरेस्ट कवरेज है वो मेनली 12 टाइप्स की है, तो यहाँ पे मैंने उन सारे टाइप ऑफ कवरेज के नाम लिख दिए हैं। वहाँ की जो टिम्बर है अंडमान फॉरेस्ट की वो बहुत फेमस है। टिम्बर जैसे कि हमें पता है फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आती है। तो ये सब आपने फ्लोरा में ये सब बातें लिखनी है। फिर है फौना ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फौना में फ्रेंड्स आपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वहाँ की फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में लिखना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए पिक्चर्स लगाई हुई हैं और ये लिखा हुआ है कि जो वहाँ का सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, और वहाँ का अंडमान का स्टेट एनिमल कौन सा है, वो है डुगोंग, जिसको सी काओ भी कहते हैं। देखिए इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। फिर इधर आप इंक्लूड कर सकते हैं जो वहाँ के कॉमन मैमल्स हैं उनके नाम और उनके साइंटिफिक नेम इधर मेंशन करे हुए हैं, इसे आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, और उन मैमल्स की फोटोज पिक्चर्स लगा सकते हैं। अब ये देखिए जो मैं वाइल्ड बोर के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि जिसकी एंडेमिक यानी कि वो काफ़ी पॉपुलेशन है उसकी वहाँ पे वाइल्ड बोर, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देन एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड देयर। अब एनिमल्स के बाद आप बटरफ्लाइज और मॉथ्स जो वहाँ के इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर लिखिए। देखिए जैसे कि 225 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स है वहाँ, और अगर आप ये इस पार्क में जाएंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क में तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आपको बटरफ्लाइज और मॉथ्स दिखाई देंगे। और इन बटरफ्लाइज के ऊपर इंडिया में स्टैम्प्स भी इशूड हुई थी, पोस्टेज स्टैम्प्स। इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे वहाँ के बर्ड्स के बारे में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अराउंड 270 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, जिसमें से 19 स्पीशीज आर एंडेमिक, यानी कि उनकी बहुत पॉपुलेशन है,
and 25 bird species are threatened. उसके बाद आप उनमें से कुछ बर्ड्स की फोटोज पेस्ट करिए, उनके बारे में कुछ कुछ एक एक दो दो लाइन लिखिए. वहां पे हॉर्नबिल, वुड पिजन, बहुत ही अलग अलग तरीके के बर्ड्स पाए जाते हैं उधर. Then we can write about fishes of Andaman and Nicobar Islands. What type की fishes वहाँ पे पाई जाती हैं? तो यहाँ पे हम include कर रहे हैं उन fishes की pictures और उनके बारे में कुछ sentences. ये जो fishes हैं इनके यहाँ पे local names, जो वहाँ के natives हैं उनको किस नाम से बुलाते हैं वो भी हम लिख सकते हैं. Locals यहाँ की fishes की fishing करते हैं क्योंकि उनका food होता है, तो उनको वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो भी मैंने इधर लिखा है. तो काफी वाइड वैरायटी है फिशेस की वहां पे. जैसे यहाँ पे लिखा है दैट द आइलैंड्स आर वेल नोन फॉर प्राइज्ड शेलफिश. शेलफिश जो होती है उसकी पिक्चर लगाइए इधर. अब फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फोना के बाद आप वहाँ की जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं वो भी जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि ये जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्लोरा एंड फोना को. तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 9 नेशनल पार्क्स हैं और अराउंड 100 मरीन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. तो इनमें से जो फेमस हैं उनके बारे में आप मेंशन करिए, जैसे कि इंटरव्यू आइलैंड है. ये काफी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं ये सब. अनदर वन इज लैंडफॉल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वहां पे बहुत वैरायटी है बटरफ्लाइज की. नेक्स्ट वन इज गैलिथिया नेशनल पार्क. कैंपबेल बे नेशनल पार्क. तो इन नेशनल पार्क और सेंचुरीज में जो एनिमल्स पाए जाते हैं आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट फ्लोरा एंड फोना पर भी बना सकते हैं या इस टॉपिक को अपने पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.